जय हिंद मित्रों, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। इस बात को समाज के सभी लोगों को बखूबी समझना चाहिए। इस नाटिका में शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चियों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है और जो उन्होंने संदेश दिया है कि बेटियों की शादी में लेन देन वह भी दबाव बनाकर किया जाना केवल कानूनन अपराध ही नहीं बल्कि महापाप भी है। देखा भी जाता है समाज में कि जहाँ दहेज नहीं लिया जाता वहाँ पर, या यह कह सकते हैं कि चाहे वह मायका पक्ष या ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों में सुख शांति सद्भावना बनी रहती है और जहाँ पर लेने की प्रवृत्ति जग जाती है वहाँ पर शांति सबसे पहले विदा हो जाती है। यह कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से दबाव बना करके लड़के के पिता से वसूली की सोच रखना ही पाप की श्रेणी में आता है और जो लोग ऐसा करते हैं वे अत्यंत निंदनीय कृत्य करते हैं। काफ़ी कुछ समाज में परिवर्तन हुआ है। हमारे कानून में दहेज प्रथा के रोकथाम के लिए व्यवस्था दी गई है और जब कभी कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके एवज में कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। जो उसमें दोषी होता है उसके खिलाफ कानून सजा भी देता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान कानून से 100% संभव नहीं है, उसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, खुलकर बोलना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मूल बात तो यह है कि हम किसी और से जब इस बात को कहते हैं दहेज लेना महापाप है या दहेज लेना देना कानून अपराध है और खुद जब हम उसका पालन नहीं करते तो निश्चित तौर पर यह और भी घटिया बात होती है। इसलिए आवश्यक है कि आप घर में बहू ला रहे हैं तो वह लक्ष्मी है, खुद में लक्ष्मी है, उसका आप स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें, आदर करें, घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। और जब वह बेचैन होगी दहेज के लिए आप उस पर दबाव बनाएंगे और जब वह अशांत होगी परिणाम उसका भयंकर होगा। प्रायः अब भी कहीं कहीं सुनने में यह बातें आ ही जाती हैं कि दहेज को लेकर के बेटियों को जला दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई आदि आदि प्रताड़ना की बातें आती रहती हैं। हमें सबसे पहले मनुष्य होना पड़ेगा। अगर हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यता का हमारे अंदर भाव है तो निश्चित तौर पर हम इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे। सामान्य की बात है, इंसान होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि वह दूसरे की पीड़ाओं में सहभागी बने, दूसरे के दुखों में हाथ बटाए, अर्थात उसके दुख को कम करने का प्रयास किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बेटी के विवाह में बाप के पास धन न होने पर वह जगह जमीन जायदाद मकान इत्यादि बेच देता है, गिरवी रख देता है। काफी महत्वपूर्ण बात है, जब वर पक्ष अर्थात लड़का पक्ष जिस बेटी को अपने घर में लाना चाहता है और दहेज के लिए उसके माँ बाप जगह जमीन जायदाद मकान द्वार बेचते हैं, हम उसे रिश्तेदार कहाँ बना रहे हैं।
हम तो उसका दोहन और शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि दहेज जैसी कुरीति को मिटाएं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हम बेटियों को शिक्षित करें, उनके अपने पैरों पर खड़ा करें। मुझे लगता है कि अपने आप खुद में समाप्त हो जाएगा, दम तोड़ देगा। जय हिंद।